बैक टू माय चैनल अदर माय न्यू ब्लॉग। मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ आ गई ब्लॉग के साथ। प्लीज आप मेरे चैनल पर हो तो मुझे थल्ले जाके सब्सक्राइबर पे लाइक ऑन कर देना। मैं आया था इधर कोई ढाणी में गां छड़ने पे अदर बुआ भाई पानी चक रहे हैं ट्रैक्टर से और कुआ ला रखा है, उसमें क्रॉस पाएंगे, क्रॉस से वो घूमेगा, घूमने के कारण वो पानी चखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा घूमेगा ट्रैक्टर, ये चक्रे घूमने के कारण कुएं से थले पानी गाड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब उधर लोग गेयर ला लिया है। ट्रैक्टर कौन सा है, ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको। अंकल जी ट्रैक्टर किस है, 575 है, 575 ट्रैक्टर है। अब इसको धीरे धीरे सापड़ घुमाई जाएगी, यहाँ से कुआ पानी गाड़ेगा। ये पहले हौली हौली हवा बनाता है, मतलब हौली हौली नहीं हवा बनाता, सीधे उसने पानी चाक लिया और चकने का रेस दे रहा है। ये पाइपलाइन जा रही है, यहाँ नाके में पानी चल रहा है इन भाइयों का नाके में नरमे में। ये देखो पानी है नहर भर का, बिल्कुल मीठा पानी है। नरमा देख सकते हो, नरमा बढ़िया खड़ा है, सभी नाके पके हैं, उधर ही नरमा इनका, सभी साथ में खड़े हैं। अब रास्ते का भी कुछ रिएक्शन दिखाऊंगा आपको। यानी से अब खाना खा लिया, मुझे एक चीज, मुझे अनार का पौधा मिला, ठीक है। अनार तो जानते होगे आप, लाल बूटे वाला, किस में लाल लाल दाने निकलते हैं वो। ये देखो इनके निक्के निक्के छोटे छोटे बच्चे लागे पड़े हैं अनार के। ये देखो अभी इनके निक्के निक्के बाल लगने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े हैं, कई तो फूल भी उठा रखे हैं। वो उधर वो चूंड में कितना बड़ा लगा हुआ, उधर देखो आपको दिख भी रहा होगा। ये देखो ये सभी अनार के बूटे हैं, अनार का बूटा है। उधर ये नरमा देखो पत्ते कुमला आ गए ने। फाइनली हम गाड़ी लेके अब निकल चुके हैं, रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में खाड़े ज़्यादा हैं। ये हमारे साथ एक छोटा सा पपी भी बैठा है, कुत्ता गुल्लर। आपको दिखाएंगे ये नरमे हैं, सड़क का रिएक्शन भी दिखाएंगे। जागरा वाली वहाँ पर भारत माला का काम भी चल रहा है, पुल तैयार हो गई है। ये राह है पातला, राह है बिल्कुल सोड़ा। गाड़ी हमारी अखरिया ले लेके टप रही है। ये चूंड पर है डागी, ये डागी है चूंड पर। अब हम इधर मुड़ जाएंगे, आप वीडियो मेरी प्लीज़ पूरी देखना। ये देख लो हमने इधर अपनी गाड़ी को मोड़ दिया चक पर। गाड़ी ये डागी है चूंड पर, कई घर भी हैं। ये देखो यहाँ पर नाका कितना पानी निकाल रहा है, पर देख सकते हो गाइज कुछ डागी का काम भी चल रहा है। ये सबसे ऊंची वाली डागी बन रही है, सीमट के गठे बजरी रेता वध बन रहा है। ये हमारी बड़ी ब्रांच नहर है, अब इस पुल के उत्तू हम टापेंगे। ये देखो बड़ी नहर है, बड़ी सबसे बड़ी ब्रांच। हमारा पानी भी इस नहर से लगता है, हमारे मोगे में ही चलता है, सभी मोगे में। ये उधर कुछ जोने का खेती खड़ी है, वो कुछ छह वाला चक है। अच्छा वो छह वाला चक है, हम छह वाले चक से पार होंगे, जागड़ा वाली रोड लगेंगे। ये छह वाला चक बोला जाता है, हम छह वाले चक गांव के बचालू टप रहे हैं।
लागिन एक मोड़ भी आएगा, हम उधर मुड़ जाएंगे। चंगिया कोठियां पाई हुई ने, ये छह चक वाली नहर है, छोटी सी नहर है। नरबा भी चंगा खड़ोता है इधर। हम चल पड़े, अपनी रोड लाग गए हैं। हमारी गाड़ी अब चढ़ गई है सुई पर। मेरे पास है पिकअप 2001 मॉडल। लेनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर देना। ये इधर जोना भी खड़ोता है, चावल चावल अपनी भाषा। यहाँ से गाड़ी मोड़ ली है मैंने। ये सेम नाले का एरिया है, खुला ओपन दिख रहा होगा। ये आगे फिर सरकंडे भी आ गए हैं, किन से लोग घर पाते हैं, छात पाते हैं, वो सरकंडे हैं। इनमें से निका निका पूर उड़ रहा है। यहाँ पर कुछ सड़क पर स्प्रे वाले ढाबे भी बड़े हैं। हम जाखड़ा वाली रोड लग चुके हैं। अब मेन रोड है तो एक सिंगल वाली मेन तो नहीं है, बस ट्रक गाड़ियां डपते रहते इसमें आटे। एक आकड़ी भी है, जंप है। ये छोटा सा कौन सा गांव मालूम नहीं, ब्रूसरी है क्या नाम है यार, मेरे से तो गाल निकलती है। सभी खुला एरिया मिलेगा यहाँ पर आपको, ओपन ना कोई फसल है, ओनली कला टीपा टीपा है, दोरे दोरे टीपे टीपे। ये हमारा छोटा सा कपी इसमें गेट में खोल के मुंह में हवा ले रहा है, अली शिशन है। अंकल जी जनरेटर को संभाल रहे हैं, नेट तो नहीं खुला। इसको दोहरे वाला चक बोला जाता है। ये दोहरे वाला चक इसलिए बोला जाता है कि इसमें चारों तरफ टीबे घेरे हुए हैं, सभी टीबों का गांव है, इसलिए इनको दोहरे वाला चक बोला जाता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोहरे वाले चक में एक फेमस है, कौन दोहरे के ऊपर बना हुआ टीबे के ऊपर मंदिर। मैं आपको यहाँ पर रोक कर दिखाना चाहता हूँ। आपको ये मंदिर दिख रहा होगा, ये देखो सबसे बड़ा फेमस है दोहरे वाले चक वाला ये मंदिर। ये साथ में पेट्रोल पंप डलवाओ, पेट्रोल पंप कभी आएंगे मंदिर पर भी, बहुत तगड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ पर हर की मुराद पूरी हो जाती है, कोई भी बंदा आ जाए कोई भी उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मंदिर क्यों गए महाराज का, किसी का मंदिर है। ये आ गई भारतमाला रोड, सबसे बड़ी रोड। यहाँ पर हमने कम से कम 20 दिन काम किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था हमको। यहाँ पर देख लो डांडे भी साइड से ला दिए हैं, सड़क से साजा ने चलने लगे हैं और साइडा से खाली बना दी है। मेरे मैं जब काम कर रहा था ये उस टाइम ये पुल नहीं बनी थी, अब ये पुल तैयार हो गई है। ये देखो पुल अब पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इनका इधर प्लांट चल रहा है, इधर से बोरियाँ लेते हैं और उधर कोई रोड में टूटी भाजी होती है और उधर सामान रख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कुछ जाखड़ा वाली का बाजार है, इधर कोई सीमेंट वेल्डिंग वाली दुकान है। मैं आपको वीडियो पूरी शूट करके दिखाऊंगा, प्लीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में कुछ सेकंड पड़े होंगे तो मैं एक आपको बात बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो मेरी बहुत जरूर करना, पूरी देखना। इधर पिकअप की आटे की चक्की की सेलें लगती है। ये जाखड़ा वाले गाँव का ये मंदिर भी माना जाता है। और
सीने कर ली वीडियो ले लो। हाँ जी वीडियो ले लो कर भाई, आगे ना आगे कर। ये आपको आगे मिंदर दिख रहा होगा, ये भैरव जी का है, काला झंडा बोला जाता है, इसको बोलते हैं काला झंडा। ये नाली में मिंदर मस्त